हेलो फ्रेंड्स गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ रैम के बारे में कि रैम क्या होती है, उसके क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि रैम की फुल फॉर्म। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एस रैम और डी रैम। एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब हम जान ले रैम के कार्य। रैम किसी भी ऐप या सॉफ्टवेयर को अपने ऊपर रन करवाती है। जैसे हम कंप्यूटर में जो भी डाउनलोड करते हैं वो सीधा हार्ड ड्राइव में सेव होता है, ना कि रैम में। और जब भी हम किसी सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो वो हार्ड ड्राइव से निकल कर रैम में आकर चलता है। इसका सीधा मतलब यह है कि रैम किसी भी सॉफ्टवेयर या ऐप को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या एक मेमोरी प्रदान करती है। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे आपके घर में कोई पानी का बर्तन है, अगर आपको पानी पीना है तो आपको ग्लास से पानी निकाल कर पीना पड़ेगा। उसी तरह बड़े बर्तन को आप हार्ड ड्राइव समझ सकते हैं और ग्लास को रैम। आपकी रैम अधिक होगी तो आप एक साथ कई कार्य कर सकते हैं, जैसे फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, ऑफिस का कोई कार्य या इंस्टाग्राम चलाना, गेम खेलना। एक ही समय पर कई कार्य कर सकते हैं, इसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। अगर आपका भी मोबाइल और कंप्यूटर हैंग होता है तो उसका मतलब उसकी रैम कम है। रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। रैम में डेटा तब तक स्टोर रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन रहेगा। किसी कारणवश अगर आपका कंप्यूटर ऑफ हो गया तो वापस खोलेंगे तो रैम में जो भी डेटा था वो सारा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि रैम वोलेटाइल मेमोरी होती है। वोलेटाइल यानी अस्थाई मेमोरी। रैम बहुत फास्ट और महंगी होती है। बाकी की बची हुई जानकारी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।